So, finally you are here. Welcome, 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 welcome everybody. जो भी जहां से भी आए हैं, मैं हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में. और तो कुछ नहीं, चलो आ गए हो तो चप्पल उतारो और अंदर आ जाओ. और हाँ, जो बंदा लास्ट में रहेगा वो दरवाजा बंद करके आएगा, ठीक है? चलो आ जाओ. तो एक बार फिर से आपका स्वागत है. और अब हम अपने कंप्यूटर पे हैं. तो जैसा कि आपको देख रहा होगा, ये एक लंबी सी पट्टी जैसा कुछ है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो है वो ड्यूअल डिस्प्ले सेटअप है. तो अब हम सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करेंगे और बाकी की बातें बाद में करेंगे. तो ये मेरा फोटोशॉप ओपन हो गया और मेरा जो फोल्डर है वो भी हम ओपन कर लेते हैं. तो ये फोल्डर हो गया, ये फोटोशॉप हो गया. और अब आपको ठीक से दिख रहा होगा कि लेफ्ट वाले में मैं अपने फोल्डर्स खुले रखता हूँ और राइट वाले को मैंने सिर्फ फोटोशॉप के लिए ही रखा है. तो जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, जैसे कि अगर मुझे ये फाइल खोलनी है तो मैं यहाँ से इसे ड्रॉप कर लेता हूँ, तो मुझे अपना काम करने में आसानी होती है. तो इस तरह से मैं काम करता हूँ मेरे कंप्यूटर पर. और इस बात के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा था कि मैं सबसे पहला ट्यूटोरियल किस चीज़ का बनाऊं. तो बहुत ही कंफ्यूजन में गुजरने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, इसके ऊपर अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल बनेगा. क्योंकि इसमें सबसे एडवांस चीज़ों का भी यूज़ हो जाएगा और जो लोग बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए भी ये समझना आसान होगा. और एक बात कि मेरा जो कंप्यूटर है वो है डेल का इंस्पिरोन और ड्यूअल डिस्प्ले तो आपको दिख रही होगी. मेरी रैम है 16 GB, 16 GB की मेरी रैम है और 3 TB की मेरी हार्ड डिस्क है, जिसमें 2 SSD है और 1 TB की अंदर जो होती है वही है. तो ये सब मेरा सेटअप है. वैसे बताने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया. कई लोग पूछते हैं कि सर आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका कंप्यूटर कैसा है, ये वो. तो मैंने सबसे पहले ये सब कुछ क्लियर कर दिया. अब आते हैं मेन बात पर. तो मेन बात तो यही थी कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात ये थी कि मुझे ये डिसाइड करना था कि सबसे पहला ट्यूटोरियल कौन सा बनेगा. तो ये मैंने डिसाइड कर लिया है और बाकी की बातें हम वीडियो के साथ भी करेंगे. और अभी जो कहना था वो सब मैंने कह दिया. तो चलिए अब हम एक काम करेंगे. अब जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वो ड्यूअल डिस्प्ले में से सिंगल डिस्प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही हम चलते रहे तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, लंबी पट्टी में कुछ भी ऐसा मज़ा नहीं आएगा. तो चलिए मैं यहाँ से अपना जो वर्कस्पेस है वो ट्यूटोरियल वाला वर्कस्पेस ले लेता हूँ, ताकि मेरे जो कंपोनेंट्स है फोटोशॉप के वो एक ही डिस्प्ले में आ जाए. और अब हम इस लेफ्ट वाली डिस्प्ले को बाय बाय करेंगे और सिर्फ इसी राइट वाली डिस्प्ले के साथ आगे बढ़ेंगे. तो ये लीजिए जनाब, हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया है और इन मोहतरमा को भी इम्पोर्ट कर लिया है. तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना है कि ये जो हमारा बैकग्राउंड लेयर है इसे हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है. हम जो भी काम करेंगे वो डुप्लीकेट लेयर के ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर हमने आगे जाके कोई गड़बड़ की तो ये बैकग्राउंड लेयर से हम फिर से स्टार्ट कर सकें. तो चलिए कंट्रोल जे करेंगे और दूसरी बार करेंगे. ये क्या हुआ, अरे यहाँ पे क्लिक नहीं था. ओके, तो कंट्रोल जे दो बार कंट्रोल जे करके हमने दो कॉपी कर ली. और सबसे ऊपर वाली कॉपी के ऊपर हम कंट्रोल टी करेंगे और उसके बाद हम ओल्ड दबा के इसे ड्रैग कर लेंगे. और ड्रैग करते करते हम इसे इस तरह से सेट कर देंगे जैसा कि हमें हमारे फाइनल इमेज में वो है. ओके, तो ये मेरे ख्याल से अब
ठीक ही लग रहा है। अगर ठीक नहीं लग रहा है तो कंट्रोल टी करके हम इसे वापस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, थोड़ा सा उसका चेहरा इस तरह से ऊपर कर लेंगे और कंट्रोल माइनस करके जूम आउट करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये हाँ अभी ठीक है। ये जो पत्थर है ब्लर हुआ, उसका भी तो कुछ सीन दिखना चाहिए ना। तो अब मेरे ख्याल से ये परफेक्ट हो गया है। तो अब हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे और कंट्रोल प्लस से हम जूम करके वापस हमारी जगह पे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो पूरी की पूरी इमेज है उसका हम टोन चेंज करेंगे, वार्म टोन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दिक्कत दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला जो हमारा लेयर है वो यहाँ पे पूरा हो गया है और यहाँ नीचे वाला लेयर यहाँ से दिख रहा है। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यूज़ करेंगे लेयर मास्क का, और ऊपर वाला लेयर है उसे मास्क करके नीचे वाले लेयर के साथ इस तरह से मर्ज कर देंगे कि ये दोनों एक ही बैकग्राउंड हो ऐसा लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो लेयर है उसे सिलेक्टेड रखते हुए हम यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब लेयर मास्क आ गया है। और अब हम यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करेंगे और मेक श्योर के ब्रश का कलर ब्लैक हो। और ये ब्लैक कलर के ब्रश के साथ अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे पेंट करना। मैं जो भी कीज प्रेस कर रहा हूँ वो नीचे आपको दिख ही रही है, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं कीबोर्ड में से कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ तो वो आपको नीचे दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ज़्यादा पेंट कर दिया लगता है। या देखो, अगर कहीं कहीं पर भी आपको लगे कि आपने ज़्यादा पेंट कर दिया या ज़्यादा हाइड कर दिया, तो जिस कलर से आप पेंट कर रहे हो, अगर ब्लैक से पेंट कर रहे हो तो एक्स की प्रेस करके कलर को चेंज करो और फिर से वहीं पर पेंट करो, ताकि वो जो हमने मिटा दिया है, जो हमने गायब कर दिया है, वो वापस आ जाए। तो ये इस तरह से हमने वापस ला दिया। अब हम कंट्रोल प्लस करके जूम करके यहाँ जो हमारा बाकी रह गया है वहाँ आगे काम करें। ब्रश को छोटा करने के लिए ये ब्रैकेट की प्रेस करना है और हमें इसे, हाँ देखो व्हाइट कलर है इसलिए कुछ हो नहीं रहा। तो ये फिर से हम एक्स प्रेस करेंगे और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे काम करेगा। स्पेस दबा के हम जूम की हुई इमेज को ऊपर नीचे आगे पीछे ले जा सकते हैं, इसलिए जब मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस दिखा रहे हैं, उसका मतलब वो होता है जो स्टार्टिंग से बिगिनर है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें फोटोशॉप पता है उनके लिए नहीं है। ये ऐसा मत बोलना कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये तो सबको पता होता है। सबको भाई पता नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जो बेज हमने एस्टाब्लिश करना था वो हमने कर दिया। अब आगे का काम हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे वार्म टोन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाऊंगा और यहाँ से ले लूँगा कलर लुकअप। कलर लुकअप को लेने के बाद यहाँ से हम करेंगे फॉल कलर्स। ये जो फॉल कलर्स दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप फॉल कलर्स का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर आ गया है। लेकिन हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आ गया है तो हम इसे 50% कर देंगे। 50% करने पर ये मुझे ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिन वाला एनवायरनमेंट है अब हम उसे रात में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट है। मैंने कुछ लेयर्स और कुछ मैं जो रेगुलर चीज़ें करता रहता हूँ उसके लिए मैंने एक्शन बना के रखी है। लेकिन पहला लेयर मैं आपको बना के मैन्युअली दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ब्लैक लेयर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ क्रिएट न्यू लेयर पे जाना है और क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी खाली लेयर आ जाएगा। और खाली लेयर आने के बाद
हमें यहाँ से पेंट बकेल यानी कि हमारा पेंट वाला डब्बा है वो डब्बे को उठाना है, यहाँ पे आके ब्लैक कलर लेना है और क्लिक करना है। तो ब्लैक कलर का लेयर आ गया, लेकिन हमें इसके साथ इसका लेयर मास्क भी चाहिए, तो ये रहा हमारा लेयर मास्क। तो इस तरह से हमारा लेयर और लेयर मास्क आ गया। अब हम लेयर मास्क को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से ब्रश ले लेंगे, कलर तो ब्लैक ऑलरेडी है, और अब हम पेंट करेंगे, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने कर दिया, और अब हम आगे अंदर का काम छोटा ब्रश करके करेंगे इस तरह से। अब हम ब्रश का शेप भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा फ्लो भी हम अराउंड 35 रख देते हैं, ये ठीक है। और अब हम इसे इस तरह से क्लिक करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला काम। अब हम इस लेयर को उसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके सॉफ्ट लाइट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट लाइट। अब आप देख सकते हो कि पहले ये इमेज कितनी डल लग रही थी, लेकिन अब ये कॉन्ट्रास्टी हो गई है। और अब मैं आपको मेरी एक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे ये न्यू ब्लैक लेयर लिखा है, सिर्फ एक क्लिक करने के बाद ये मेरा ब्लैक लेयर भी आ गया, और यहाँ पे उसका लेयर मास्क भी आ गया। तो ये कुछ एक्शंस है जो मैंने बना के रखी है, जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, वो काम मेरा फास्ट हो जाए इसलिए। माइक थोड़ा सा दूर चला गया था, अब ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ब्रश है उसे रेगुलर शेप में लाएंगे, और एक क्लिक करना है हमें, लेकिन उस क्लिक को करने से पहले यहाँ हम फ्लो को पूरा 100 कर देंगे, और ये हमारा ब्रश, और ये हमने कर दिया क्लिक। तो ये हो गया हमारा क्लिक, और अब हम इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 70-75%। और अब हम फिर से इसके मास्क में जाएंगे, और यहाँ पर हम पेंट करेंगे ताकि ये जो लड़की का चेहरा है वहाँ से हमारा लेयर हट जाए, हमें वहाँ पे नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ भी हमें नहीं चाहिए वहाँ वहाँ हम इस तरह से क्लिक कर देंगे, तो वहां से हट जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर किसी को लेयर मास्क के बारे में नहीं पता है और जानना है, तो मैं इस वीडियो में छोटी सी हिंट दे देता हूं, और आगे अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। तो हिंट यह है कि लेयर मास्क इस तरह से काम करता है कि अगर आपको कहीं पे कुछ भी हटाना है तो उसके ऊपर वाइट मास्क ले लो, और ब्लैक कलर से जिस जिस एरिया को आपको हटाना है या गायब करना है वहाँ पेंट करो, और अगर आपको वही एरिया वापस चाहिए तो वहाँ पर वाइट ब्रश से फिर से पेंट करो। तो इस तरह से वाइट वाइट से सब कुछ दिखता है, और ब्लैक से सब कुछ हाइड होता है। तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि ये, हाँ, ये जो अब हम पहुंच गए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस ट्यूटोरियल का। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, और वो ये है कि हमने जो हमारी इमेज में जो ब्लू सा टोन है, ब्लूइश टोन, रात वाला जो ब्लू टोन है, वो कैसे क्रिएट किया था वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ जाके हम ले लेंगे ग्रेडियंट मैप, और ग्रेडियंट मैप लेने के बाद हम यहाँ से अपना ये वाला जो ग्रेडियंट है, ये वाला जिसमें एक तरफ लेवेंडर सा एक टोन है और दूसरी तरफ ऑरेंज है, तो ये जो लेवेंडर सा टोन है वहाँ पे हम इसके कलर पे क्लिक करेंगे, और इसका हमें कलर चेंज करना है। ये कलर का जो कोड है वो आपको याद रखना है, यही पूरे ट्यूटोरियल की जान है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से चेंज करके करना है 2D, 2C, 2F,
याद रहे 2D, 2C, 2F ये कलर कोड अप्लाई करना है। ये एक ग्रे का शेड है और ग्रे के इसी शेड पर ये काम करेगा। मैंने दूसरे शेड भी ट्राई करके देख लिए हैं लेकिन उस पे ये काम नहीं कर रहा है। तो ये 2D, 2C, 2F याद रखना, फिर ओके कर दो, यहाँ पे ओके कर दो, इसे भी जाने दो। और ये है अब पूरे ट्यूटोरियल का मैजिक पॉइंट। अब हम यहाँ से इसके जो उसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसे कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा जो इमेज का फील है वो चेंज हो गया इस एक चीज से। और अब हम इसकी ओपेसिटी को 85% कर देंगे। तो ये हो गया हमारा काम। अब हमें एक और थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश टिंट चाहिए, तो उसके लिए हम एक अलग से लेयर ले लेंगे और वो लेयर होगा हमारा यहाँ पे जाके कलर लुकअप। हम कलर लुकअप के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे मूनलाइट। मूनलाइट लेने के बाद हम मूनलाइट वाला जो लेयर है उसकी उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो कर देंगे कलर डॉज। और कलर डॉज करके उसकी हम ओपेसिटी को अराउंड 75 to 80 रखेंगे। 80 ठीक लग रहा है, नहीं ये ज़्यादा है। एक काम करते हैं, इसको हम रखेंगे 25%। वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, ये 25% मुझे ठीक लग रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट 65 या 70% काम हमारा हो गया है। अभी हमें बटरफ्लाई लाना है और उसके ऊपर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कंट्रोल ओ करके बटरफ्लाई वाला जो फाइल है इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ये आ गई हमारी बटरफ्लाई वाली फाइल और इसे हम वहाँ पे जाके छोड़ देंगे। और अब हम कंट्रोल प्रेस करके वो जो उसके आजू बाजू में स्क्वेयर आता है ना, उससे हमें उसे पकड़ने में और ड्रैग करने में आसानी रहती है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये करता हूँ और उसकी आंखों के अकॉर्डिंग हमें इसे रख देना है। तो ये मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। अब हम जूम कर लेंगे और सिर्फ बटरफ्लाई को स्क्रीन में रखकर उसके ऊपर काम करेंगे। एक और थोड़ा सा कर लेंगे जूम। ओके, तो ये हमारा बटरफ्लाई आ गया और अब इसके ऊपर ही हमें काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बटरफ्लाई का इसे नाम दे देते हैं बटरफ्लाई, बटर नाम दे देते हैं, इसे याद रहेगा कि ये बटरफ्लाई है। तो अब बटर को हम कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके कलर डोज कर देंगे। और कलर डोज करने के बाद उसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 60%। तो आप फर्क देख सकते हो, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अब ये जो बटर फ्लाई है इसके नीचे हमें एक लाइट का हल्का सा लेयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट करेंगे। आपको पता ही है अब तो कि यहाँ क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन होता है। ये क्रिएट न्यू लेयर कर दिया और इस लेयर को हम नाम दे देते हैं लाइट। अरे F2 से यहाँ नहीं होगा, ऐसे लाइट नाम दे दिया। अब हम इस लाइट वाले लेयर को बटरफ्लाई के नीचे ले जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब लाइट वाले लेयर को सिलेक्ट रखते हुए हमें करना क्या है कि हमें यहाँ से ब्रश ले लेना है। और ब्रश लेने के बाद ब्रश को छोटा करेंगे और बटरफ्लाई के अंदर से ही जो कलर हमें चाहिए वो हम ब्राइट सा कोई कलर सिलेक्ट करेंगे। और ये ले लिया हमने कलर। और हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई के नीचे वाला जो लाइट वाला लेयर है उसके ऊपर हम इसे एक बार क्लिक करके पेंट करेंगे ये इस तरह। अभी ये बहुत ही हार्ड और अननेचुरल सा लग रहा है लेकिन हम इसे ठीक कर देंगे। पहले हम कंट्रोल टी करके इसका शेप चेंज करेंगे इस तरह से। ओके, थोड़ा सा इसे हटा के बीच में ले लेंगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा बीच में। ओके, अब हम इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे चेंज करके स्क्रीन कर देंगे।
और इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे 40 या 45%, 405 नहीं 45। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि पीछे से थोड़ा सा हल्का सा लाइट वाला लेयर अब हमारा दिख रहा है, तो ये हमारा लाइट लेयर है। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइट लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे कंट्रोल जे करके, और उस लाइट की कॉपी को हम सब लेयर्स के ऊपर ले जाएंगे, सारे लेयर्स के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ एवरी लेयर्स, और उसको हम यहाँ से उसका क्लिपिंग मास्क बना लेंगे, ताकि वो जो लाइट है वो सिर्फ बटरफ्लाई के अंदर रहे, बटरफ्लाई के बाहर ना जाए। तो हमने क्लिपिंग मास्क कर दिया, और यहाँ से ये जो स्क्रीन है इसे हम बदल के कर देंगे कलर डॉच, और यहाँ से हम उसकी ओपेसिटी को 45 से हायर ले जाके 60 रख देते हैं, ये मुझे ठीक लग रहा है। और अब हम एक और लेयर बनाएंगे यहाँ से, और उस लेयर को पेंट करेंगे बटरफ्लाई के सबसे ज़्यादा चमकीले पार्ट से, सबसे ज़्यादा ब्राइट पार्ट से, ये मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है। हाँ, ओल्ट दबा के रखना, जब ये सैंपल ले रहे हो तो ओल्ट दबा के सैंपल लेना है, फिर छोड़ दो। फिर बटरफ्लाई का जो यह मुंह है यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेंगे, ओके, और अब हम इसको कलर डोज कर देंगे, ये हमने कर दिया कलर डोज, और यहाँ से हम उसकी ओपेसिटी कर देंगे 75%, 75 भी ज़्यादा हो तो 65 कर देंगे, ये ठीक है। तो ये हमारा बटरफ्लाई का भी जो काम था वो हो गया। तो ये देखो, ये हमने कर दिया लड़की का भी काम पूरा, बटरफ्लाई भी हो गया। अब हम एक काम करेंगे, हम एक ऐसा लेयर लाएंगे जो ग्लोबल हो, जो पूरी की पूरी इमेज को अफेक्ट करे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे ले जाएंगे एडजस्टमेंट में, और यहाँ पे जाएंगे कलर लुकअप में, और कलर लुकअप में जाके हम एक काम करेंगे, यहाँ से फोगी नाइट ले लेंगे, ये फोगी नाइट वाला जो लट है, लट को लुकअप टेबल कहते हैं, LUT लुकअप टेबल, और इस तरह से हम इसे अप्लाई कर देंगे, और यहाँ से इसकी इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे हम कर देंगे कलर डॉच, और उसके बाद हम इसे सिर्फ 8% रखेंगे, सिर्फ 8%। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा डोजन बन का इफेक्ट आएगा, जहाँ जहाँ ब्राइट होगा वहाँ वहाँ डोज का इफेक्ट आएगा, और जहाँ जहाँ शेडो होगा वहाँ वहाँ बन का थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा, तो हमें मैन्युअली डोजन बन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये काम करता है, और अब हम बस हो गया, अब तो कुछ करना बाकी नहीं है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, यहाँ या यहाँ या फिर यहाँ, इन तीनों जगह में से किसी भी जगह पर आप अपना लोगो रख सकते हैं। और अगर आपने मेरे साथ इस ट्यूटोरियल को फोटोशॉप में किया है, प्रैक्टिस किया है, मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है उससे इस इमेज को डाउनलोड करके मेरे साथ साथ किया है, तो मुझे अपना फाइनल रिजल्ट भेजना, मैं देखूंगा कि आप कहां तक पहुंचे मेरे साथ साथ। और ख़ास बात तो ये करनी थी कि आप लोग पीछे पड़ गए थे ना कि लाओ ट्यूटोरियल लाओ ट्यूटोरियल लाओ ट्यूटोरियल लाओ, तो ये मैंने ट्यूटोरियल दे दिया, अब मेरी बारी है डिमांड करने की, अब मैं डिमांड करूँगा। और मेरी डिमांड ये है कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करो, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दो बिंदास, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा भर दो, वो तुम्हारा है, जहाँ जितनी मर्जी हो सके, जो मर्जी हो सके लिखो, अगर अच्छा लगा हो तो वो लिखो, अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो लिखो, मुझे नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन दो, अपना फीडबैक दो। और तीसरी बात, मैं यहाँ रिसोर्सेस फ्री दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल फ्री दे रहा हूँ, और आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए मैं फ्री मदद करने के लिए बैठा हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा, गाइड करूँगा आपको, आपकी हेल्प करूँगा। तो ये सब अगर मैं आपके लिए कर सकता हूँ, अपना इतना वक्त निकाल सकता हूँ, अपनी एनर्जी इसमें डाल सकता हूँ, इसके बदले में मैं आपसे 1 रुपया भी मांग तो नहीं रहा, तो जो मैं मांग रहा हूँ वो तो आप कर ही सकते हो। आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना है, और
सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मेरे लिए ये करनी है कि नीचे शेयर का जो बटन होगा वहां जाके इस वीडियो की लिंक को कॉपी करो और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे इसको फैला दो। बस यही आपको करना है। अगर आप इतना भी मेरे लिए कर पाए तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो चलिए मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते एक इम्पोर्टेंट बात बता के जाता हूँ, जिंदगी में कहीं भी कभी भी और कुछ भी सीखने को मिले तो सीख लो, क्योंकि क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है। चल बुढ़ो बता, सीखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।